थाना क्षेत्र स्थित गोल मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुकान में भारी मात्रा में मोबाइल फोन भी रखे हुए थे। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग चुका और कितने रुपए का माल जलकर राख हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। पुरातन मार्केट है, छोटी सी उसमें गजेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जिसमें मोबाइल काफ़ी संख्या में है। तो हमें सूचना मिली थी गोल मार्केट में आग लगी है, तो मैं दो गाड़ी लेकर के साथ एक साथ और तेज़ी से यहाँ पर आया। उसमें दुकान में आग लगी थी अंदर, संभवतः इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और मोबाइल वगैरह भरे हुए थे वो निकाले जा रहे हैं। बाकी आग को कंट्रोल कर लिया गया है और 10% आग बची है तो उसको देख करके डाल लिया गया है।